हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अमृति फैशन मिला। आज की वीडियो में हम लड्डू गोपाल जी के लिए ड्रेस बनाने वाले हैं। एकदम सिंपल और आसान तरीके से हमने इसे बनाया है। ये देखिए, ये जो इसका ये वाला हिस्सा है, यहाँ इनके गले पे आएगा और उसके बाद इनके दोनों पैर के बीच से ऐसे हम लेके आएंगे। ये देखें, बहुत आसानी से आप इसे बना के अपने कान्हा जी को पहना सकते हैं। उसके बाद देखिए, ये हम यहाँ पे ऐसे बंद कर देंगे। छोटे साइज के लिए मैंने बनाया हुआ है इसे। आप लोग काफ़ी कमेंट करते हैं कि दीदी प्लीज़ छोटे साइज में बताइए, तो देखिए आज मैंने आपको बहुत ही खूबसूरत सी ड्रेस बता दी है छोटे साइज के कान्हा की। देखिए पूरा मेरे हाथ में इस तरह से आ जा रहे हैं और इसमें इनकी नेपी भी है। ये देखिए, नेपी पे भी हमारे पाइपिंग आ रही है, बहुत खूबसूरत लगती है। इस तरह की ड्रेस आप लेकर ट्रैवल भी कर सकते हैं। जब भी हम कहीं बाहर आते जाते हैं तो ज़्यादातर हमारे कान्हा जी की नेपी वगैरह ही गायब होती है, तो इस तरह की ड्रेस बहुत कम्फर्टेबल रहेगी। अगर आप अपने कान्हा जी को कहीं ट्रैवल करेंगे तो ड्रेस के साथ ही नेपी भी रहती है, बहुत ईजी रहता है पहनाना भी और इसे बनाना भी बहुत इजी है। तो वीडियो आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखिए। मैंने दो नंबर के कान्हा को पहनाई है ये ड्रेस। अगर आपको और भी साइज में बनानी है पहनानी है तो मैंने वीडियो के एंड में समझाया हुआ है कि किस तरह से आप सेम ड्रेस हल्का सा चेंज करके पहना पाएंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेती हूँ और देख लेते हैं हमने इसे कैसे बनाया है। ये देखिए, मैंने यहाँ पे ये कॉटन का फैब्रिक लिया है। अगर मैं आपको इसे इस तरह से ओपन करके दिखाती हूँ, ये हमारा अस्तर वाला फैब्रिक है, जो हमारा लाइनिंग का फैब्रिक आता है वो है। तो यहाँ पे ये जो इसकी चौड़ाई है वो हमने 4 इंच रखी हुई है। इसे हमने डबल करके इस तरह से प्रेस लगा लिया है। अब हमने यहाँ पे ये 2 इंच की पट्टी ली है, इसे भी हमने डबल करके प्रेस लगाया हुआ है। हम इसे यहाँ पे इस तरह से ऐसे रखेंगे ऐसे करके, और रखने के बाद एकदम सिंपल सीधा सा सिल देंगे। चलिए सिलती हूँ, फिर आगे बताऊंगी क्या करना। ये देखिए, ये हमारा हो गया है। अब हम इसे इस तरह से ऐसे पलट लेंगे। ये देखिए, ये जो फैब्रिक है हम यहाँ पे ऐसे करके पलट देंगे, ये इस तरह से। यहाँ पे हमारी ब्लू कलर की पाइपिंग दिखनी चाहिए। तो चलिए अब मैं इस पर सिलाई लगा लेती हूँ। ऊपर नीचे दोनों साइड से सिलाई लगाऊंगी। जब इसे हम थोड़ा सा आगे ऐसे खींच लेंगे तो यहाँ पे हमारी अपने आप ब्लू कलर में पाइपिंग आ जाएगी। चलिए सिलती हूँ। ये देखिए, ये हमारा हो गया है। इसकी लंबाई मैंने आपको नहीं बताई थी, इसकी लंबाई मैंने ली हुई है 30 इंच। अब हमें यहाँ पे ऊपर देखिए क्या करना है, फ्रिल बनानी है। कैसे बनाएंगे, ऊपर वाली साइड हमारी देखिए लॉक है, तो यहाँ पे ऐसे हम प्लेट डालेंगे इस तरह से। ऐसे हमें घनी प्लेट डालनी है पास पास ऐसे करके। तो चलिए मैं यहाँ पे अपनी फ्रिल बनाती हूँ, फिर आगे आपको बताऊंगी कि क्या करना है। ये देखिए, ये हमारा रेडी हो गया है, इसे हम साइड करते हैं। अब हमने यहाँ पे ये 1.5 इंच की पट्टी ले ली है, इसे भी हमने डबल करके और प्रेस लगा दिया है। देखिए हमने अब यहाँ पे ये 1 इंच की पट्टी ली है ब्लू कलर की, इसे हम लॉक कर देंगे इसे। तो यहाँ पे ऐसे दोनों का खुला हुआ साइड एक साथ रख के और सिल देना है। चलिए सिलती हूँ, फिर आगे बताऊंगी क्या करना है। ये देखिए, हमने सिल दिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसे इस तरह से ऐसे करके और पलट देंगे पीछे। तो देखिए यहाँ पे हमारी पाइपिंग भी आ जाएगी और ये हमारा लॉक भी हो जाएगा। तो चलिए इसी पे से हम सिलाई लगा देते हैं, फिर आगे देखूंगी कि क्या करना है। ये देखिए, हमारा रेडी हो गया है। अगर मैं आपको इसकी लंबाई दिखाऊं तो देखिए, इसकी लंबाई हमने रखी है 9 इंच, एकदम हमारा एग्जैक्ट 9 इंच है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रखेंगे यहाँ पे, और रखने के बाद थोड़ी दूर हम इसे सिल देंगे। लगभग 1 इंच करीब में सिलाई लगा दीजिए। ये देखिए, हमने यहाँ पे सिल दिया। सिलने के बाद हम इसे यहाँ स्कर्ट पे इस तरह से रख के सिलेंगे, एकदम सेंटर में हमें रखना है। और ऐसे ये हिस्सा हमारा ऐसे पीछे की साइड निकला रहेगा नीचे की साइड से, और इसे हम सिल देंगे। इसे हमारी नेपी और ड्रेस दोनों आएगी, इसलिए हम इस तरह से इसे सिल रहे हैं। यहीं पर हमें सिल देना है इसे। ये देखिए, हमारी ड्रेस रेडी हो गई। अब बस हमें यहाँ पे वेलक्रो लगाना है। तो ये देखें, इस तरह से ऐसे हम वेलक्रो लेंगे और इसका हार्ड वाला जो हिस्सा है वो हम यहाँ ऊपर की साइड ऐसे रख के सिल देंगे, और जो सॉफ्ट वाला हिस्सा है वो हम पीछे की साइड से सिल देंगे यहाँ पे। और इसकी कमर आई थिंक मैंने आपको बताई नहीं, कमर देख लीजिए कितनी है इसकी। ये देखें, यहाँ पे जो कमर है वो हमने रखी है
3.5 इंच, एग्जैक्ट हमारा 3.5 इंच है। तो चलिए मैं सिल देती हूँ इसे। हार्ड वाली साइड हम यहाँ पे ऐसे रख के सिलते हैं, तो जब भी हार्ड वाली साइड सिलते हैं तो ऐसे उल्टी साइड से सिलते हैं, उससे हमारा जो धागा है वो टूटता नहीं है। ये देखिए ये हमारा कंप्लीट हो गया है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है गाइस। आप देखिए कितना सिंपल और आसान तरीके से हमने इसे बना के रेडी कर दिया। अब चलिए पहना के दिखा देती हूँ। तो ये देखिए गाइस यहाँ पे जो ड्रेस है कितनी खूबसूरत लग रही है, ये देखें बहुत इजीली आ गई है। यहाँ पे नेपी भी है, 2 नंबर के काना को मैंने पहनाई हुई है। अब ये ड्रेस अगर आप 1 नंबर के काना को पहनाना चाहते हैं तो हमने जो चोली की लंबाई 9 इंच रखी है उसकी जगह अगर आप 8.5 इंच रखेंगे तो 1 नंबर को आ जाएगी, और 0 साइज को पहनाने के लिए अगर आप चोली की लंबाई 7 इंच रखेंगे तो 0 साइज को भी आ जाएगी। और 2 नंबर को मैंने इसे पहना के आपको दिखाया ही है, तो आप सेम ड्रेस 0, 1 और 2 नंबर को पहना पाएंगे। इसे पहना के मैंने आपको वीडियो को स्टार्टिंग में ही दिखा दिया है, अगर आपने स्टार्टिंग में वीडियो स्किप कर ली है तो जाके चेक कर लीजिएगा। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा राधे राधे।